हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार में इस साल 1,80,000 स्कूली शिक्षकों की होगी बहाली। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक आएगी वैकेंसी। कक्षा 1 से 8 तक 80,000, कक्षा 9 से 12 तक 1,00,000 पद। राज्य के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के लगभग 2,00,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। इसमें सातवें चरण के तहत कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 80,000 शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त में आएगी। उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक लगभग 1,00,000 शिक्षकों की वैकेंसी अक्टूबर तक आएगी। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भी बदलाव होगी। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एक अभ्यर्थी को अलग अलग नियोजन इकाइयों में आवेदन नहीं देना होगा, बल्कि एक आवेदन ऑनलाइन देना होगा। तो इस बार आवेदन करने की प्रक्रिया जो है उसमें भी बदलाव हो गया है। पहले जो विभिन्न नियोजन इकाई में जा के आवेदन करना पड़ता था, सो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक ही ऑनलाइन आवेदन देना होगा। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी डीईओ और डीपीओ से शिक्षकों के रिक्त पदों का सूचना विभाग को जल्द देने के लिए कहा था। छठे चरण में रिक्त रह गए 48,000 सीटों के साथ ही लगभग 30,000 से अधिक और रिक्त हुए पद, यानी 80,000 रिक्त पद हो सकते हैं। जिलों से रिक्त की गणना 30 जून तक बताने के लिए कहा गया था। जिला स्तर पर डीएम से रिक्त पदों के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस 15 जुलाई तक होगा। नियोजन इकाईवार व कोटिवार रिक्त पदों को विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले पोर्टल पर 25 जुलाई तक अपलोड करना है। पंचायत और नगर निकाय के तहत प्रारंभिक और मध्य विद्यालय में मूल और स्नातक कोटि के शिक्षकों के उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रिक्ति बताना है। स्कूलों में लगभग 1,00,000 शिक्षकों की बहाली जो है वो होगी। 31 दिसंबर तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की सूची जो है वो मांगी गई है। हालांकि विभाग ने सभी डीईओ और डीपीओ से 31 दिसंबर 2022 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की सूची अंत तक मांगी है। अवकाश प्राप्त होने वाले शिक्षकों की सूची आने के बाद शिक्षकों की रिक्ति को और बढ़ सकती है। अभी छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है, जो जुलाई में पूरी हो जाएगी। छठे चरण में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे सातवें चरण में शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद है अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सातवें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं उसका ऑप्शन मांगा जाएगा। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 STET ऑनलाइन परीक्षा ली गई। 2021 में जारी रिजल्ट में 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए। STET 2011 में उत्तीर्ण 16,196 वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण में शिक्षक नहीं बन सकेंगे, वे सभी सातवें चरण में आवेदन के लिए योग्य होंगे। इसके बाद है इसीलिए चयन प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन के में किसी प्रकार का विवाद और शिकायत नहीं रहे। वर्तमान प्रक्रिया में अलग अलग नियोजन इकाइयों में आवेदन देने से अभ्यर्थी रहते हुए भी पद रिक्त रह जाते हैं। हाल में 90,762 प्राथमिक शिक्षक के पद में 48,000 से अधिक पद रिक्त रह गए। सभी अलग अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस माध्यम से कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाते हैं। तो इसी सब कठिनाई के कारण जो है ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और उसमें आपसे नियोजन इकाई का च्वाइस मांगा जाएगा कि आप किस नियोजन इकाई में शिक्षक जो है वो बनना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद मतलब इससे बहुत हद तक परेशानी जो है आप लोगों की दूर हो जाएगी। जगह जगह हर नियोजन इकाई में जाकर जो आवेदन करना पड़ता था सो नहीं करना पड़ेगा और साथ ही इस पर पारदर्शिता भी आएगी। बहाली से मुखिया
मुखिया से लेकर मेयर तक अलग रहेंगे। शिक्षक बहाली की चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रहेगी। शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। नियोक्ता पंचायती राज और नगर निकाय ही होंगे, लेकिन मुखिया प्रमुख, नगर परिषद अध्यक्ष या महापौर जैसे लोग भर्ती प्रक्रिया से अलग हो जाएंगे। अभ्यर्थियों को अलग अलग नियोजन इकाइयों के बदले ऑनलाइन एक ही जगह आवेदन जो है वो देना होगा। तो इस बार इस तरह की प्रक्रिया रहेगी, सेंट्रलाइज और एक ही जगह आवेदन करना होगा। और कहा जा रहा है कि अगस्त से लेके अक्टूबर तक जो है वैकेंसी आएगी, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।